कोरोना महामारी के चलते इस बार हमीरपुर के शिव मंदिर में हर साल आयोजित होने वाले गणपति उत्सव का आगाज नहीं हो सका है। हालांकि गणपति बब्बा मोरिया कमेटी के द्वारा इस बार गणपति बब्बा मोरिया कमेटी के सदस्य के घर में ही गणपति महाराज की मूर्ति को स्थापित कर इस उत्सव का आगाज किया है। गौरतलब है कि पिछले 9 सालों से गणपति महोत्सव का आयोजन बड़े ही धूमधाम ढंग से हमीरपुर में किया जाता रहा है और इसका शुभारंभ भव्य झांकी के साथ पूरे बाजार की परिक्रमा पूरी करने के बाद मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना के साथ मूर्ति की स्थापना की जाती थी, लेकिन कोरोना संकट के चलते इस बार न तो पूजा अर्चना की गई न ही मंदिर में मूर्ति स्थापना हो सकी है। गणपति बप्पा मोरिया कमेटी के सदस्य अनुराग सेठी ने बताया कि जिला प्रशासन के द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार ही इस बार मंदिर के जगह घर में ही गणपति उत्सव को मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गणपति उत्सव को मनाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा जारी की गई पूरी गाइडलाइन को फॉलो किया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है। गणपति बप्पा मोरिया कमेटी की तरफ से ये 9वां सार्वजनिक गणेश उत्सव विधि विधान और नियमानुसार मनाया जा रहा है। इस वर्ष भी कोविड-19 के कारण, जैसे आप सबको पता है, कोविड-19 के कारण प्रशासन की कुछ गाइडलाइंस हैं, इसलिए हम इसका पूरा गाइडलाइंस का ध्यान में रखने हेतु और ताकि हमारा ये उत्सव खंडित ना हो और इसी प्रकार चलता रहे, क्योंकि ये हमारा 9वां गणपति उत्सव है, तो कमेटी के सभी मेम्बरों ने बैठ के ये डिसाइड किया था कि हम इसे खंडित नहीं करेंगे, यानी कि इसे मनाएंगे, चाहे सूक्ष्म रूप से मनाए, इसे हम सूक्ष्म रूप से अपने घर में एक किसी मेंबर के घर में रखने के लिए ऐसा हमारा तय हुआ था। तो ये वार्ड नंबर 4 में हाउस नंबर 74 कृष्णा गली, जिसे गुरुद्वारा गली के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पे विधि विधान से पूरे विधि जिस प्रकार से हम इसे पूजते हैं उसी विधि से, लेकिन कोविड के कारण समाज से मैं ये अपील थी कि वो आना चाहे तो एक एक करके आए और माथा टेकें और जा सकते हैं, ताकि हमारा ये भी पूरे समाज को और हमीरपुर के सभी शहरी वासियों को ये भी एक संदेश था कि ये उत्सव, कई हमारा ये कहने का मतलब था कि कई लोग ये कह रहे थे कि शायद ये उत्सव नहीं हो रहा है, लेकिन हम ये जानकारी देना चाह रहे हैं कि ये उत्सव इस वर्ष भी मना रहे हैं, लेकिन गाइड प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार मनाया जा रहा है। धन्यवाद। वहीं सुंदरनगर से आए पंडित भरत भूषण ने बताया कि गणपति बाबा मोरिया कमेटी के द्वारा गणपति उत्सव को मनाने के लिए घर में ही पूजा अर्चना की जा रही है। आगामी 9 दिनों तक मूर्ति की पूजा अर्चना की जाएगी और इसके बाद उनकी ब्यास नदी में गणपति की मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा बचाव के सभी नियमों का पूरा पालन किया जाएगा। हर वर्ष यह गणेश उत्सव हमीरपुर में मनाया जाता है और बड़े सौभाग्य की बात है कि 10 दिनों के लिए गणेश जी सभी के बीच में आते हैं, एकत्रित होकर सभी लोग इस उत्सव को मनाते हैं। बड़े अच्छी बात है, बड़ा शुभ समय होता है, तो सभी इसको मिलके मनाते हैं। लेकिन अब की बार यह जो कोरोना महामारी है, इसको देखते हुए, इसके चलते हुए सरकार ने या प्रशासन ने जो भी नियम निर्धारित किए हैं, तो उनके अनुसार, उनको देखते हुए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मंदिरों में भी मनाही है, मंदिर भी आजकल बंद हैं, तो इसीलिए अब की बार शिव मंदिर में इस उत्सव को नहीं मनाया जा सकता। तो इसीलिए कमेटी वालों ने डिसाइड किया है कि इसको किसी कमेटी मेंबर के घर में ही किया जा सके, तो इस उत्सव को ना बीच में तोड़ा जा सके, इस परंपरा को बीच में ना तोड़ा जा सके, क्योंकि जो परंपराएं होती हैं तो उनको बीच में तोड़ा भी नहीं जाना चाहिए। तो जो परंपरा 9 वर्षों से चली आ रही है, तो इस वर्ष भी सभी ने विचार करके यह कहा और यह निर्णय लिया कि अब की बार हम किसी के घर में इसको मनाएंगे। तो डिसाइड किया गया था कि शिवनगर में गुरुद्वारा गली, आप सभी शायद जानते हैं, तो गुरुद्वारा गली में अनुराग सेठी जी के घर में इस वर्ष इस उत्सव को मनाया जा रहा है। तो यहाँ पर आने के लिए किसी को मनाही नहीं है, लेकिन इस कोरोना महामारी को देखते हुए, इसको समझते हुए, सभी जो भी सरकार ने नियम बनाए हुए हैं उन नियमों का पालन करते हुए कोई भी यदि यहाँ पर आना चाहे तो आ सकते हैं, अच्छे से अपने अपनी मनोकामनाओं को लेकर भगवान जी के चरणों में आएँ, मत्था टेकें, किसी को मनाही नहीं है।
और सभी के लिए व्यवस्था करके रखी गई है यहाँ पर, कि यहाँ पर जैसे सैनिटाइज़र का भी उपयोग किया जा रहा है, जो भी आते हैं तो सैनिटाइज होके ही अंदर आते हैं, और उस प्रकार से बहुत से भक्त यहाँ पर आ रहे हैं और मत्था यहाँ पर टेक रहे हैं। तो हर वर्ष की भांति अपने अपने मन के जो भी जिनके विचार हैं, जो भी भगवान के प्रति श्रद्धा है, तो वो अपने अपने भगवान के चरणों में उस श्रद्धा को अर्पित कर रहे हैं। तो हम हर वर्ष की तरह इस बार भी सभी की मंगल कामनाओं के साथ इस उत्सव को बड़ी धूमधाम के साथ मना रहे हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।